तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत आर्ट के जबरदस्त नए वीडियो में। और कस्टमर ने फोटो दिया है और आप देख सकते हैं फोटो कैसा है। फेस की डिटेल बहुत बहुत कम है, फोटो एकदम डैमेज्ड नहीं है पर ब्लर है और फीका है, जिसमें ये डेप्थ नहीं है, फीका है, ब्लर है, डिटेल्स बहुत कम है। और इधर का पार्ट है जो है डैमेज्ड हो चुका है, उधर की डिटेल नहीं है। और इसको करेक्ट करने के लिए दिया है, रेस्टोरेशन भी करना है, डिजिटल पेंटिंग स्टाइल में भी करना है और कलर वगैरह सब सही से करना है। और ये ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये फोटो को शुरू करते, इसके लिए मैं 12x18 का एक डॉक्यूमेंट साइज ले लूँगा और उसका बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे रखा है। और अभी ये फोटो थोड़ा सा तिरछा है, जिससे आपको यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से इधर की और इधर की इसे लंबाई की देखते हुए। अभी मैं क्या करूँगा, पर्सपेक्टिव टूल लेके इसके चारों कॉर्नर सिलेक्ट कर दूँगा कुछ इस तरह से। और चारों कॉर्नर सिलेक्ट होने के बाद सिंपली इसको ओके कर दूँगा तो फोटो जो तिरछा है वो सीधा होके आ जाएगा, ठीक है। और इस फोटो को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे और कंट्रोल टी करके इस फोटो को हम एडजस्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अभी आगे का पार्ट तो डैमेज है और फोटो को सेंटर में रखेंगे और थोड़ा सा छोटा करेंगे, इतना ठीक है। और आगे का भी पार्ट जब रिकवर हो जाएगा तो वो पूरा फोटो बन जाएगा अच्छे से। अभी इसको मैं सैंपल के तौर पे रखता हूँ और इसकी डुप्लीकेट कंट्रोल जे दबा के डुप्लीकेट लेयर निकालता हूँ और ओरिजिनल इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। बाद में कुछ गड़बड़ होती है तो ओरिजिनल हमारे पास रहे, इसलिए फोटो एकदम फीका फीका है, उसमें कुछ डिटेल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी। अभी कितना करना है हमें समझ नहीं आता है, तो आप कंट्रोल एल करके जो यहाँ पे ग्राफ दिखेगा तो इतना हाईलाइट का इतना डिटेल मिसिंग है और शैडो का इतना डिटेल मिसिंग है। तो सिंपली मैं इसको फिल करूँगा, आप देखेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ गया है और यहाँ पे देखेंगे तो डार्कनेस बढ़ गया है। बिफोर आफ्टर जस्ट इतना करने से आप देख सकते हैं आंखों के ऊपर थोड़ी सी उसमें डेप्थ आ गई है। और बाकी जो रेड टोन ग्रीन टोन भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे, जो मतलब जो मिसिंग ग्राफ है वो हम थोड़ा सा फिल करेंगे और रेड का होने के बाद ग्रीन में भी करेंगे। और ब्लू में भी करेंगे तो आप देख पाएंगे अभी फोटो में जान आ गए। अब बिफोर आफ्टर देखिए ये कितना फीका है और ये कलरफुल भी है, टोन भी ऑलमोस्ट थोड़ा चला गया है और डेप्थ भी मिल गया है। देखो बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर, इसमें मैंने मेरा कुछ टैलेंट यूज नहीं किया है, आप खाली देख रहे तो मैंने जो मिसिंग ग्राफ है वो फिल किया है। ये देखो ये देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें एडजस्टमेंट अगर करना है तो मिड टोन के ऊपर हमें खेलना पड़ेगा, वो फोटो के अकॉर्डिंगली हो जाएगा, कौन सा टोन कम है ज्यादा है वो एडजस्ट कर सकते हैं। पर मेन जो है मिसिंग ग्राफ फिल करेंगे तो बहुत अच्छे से डेप्थ मिल जाएगी। ये हो गया, फिर भी आपको लगता है कि इसमें येलो टोन रेड टोन अगर लग रहा है तो कंट्रोल बी करके वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ओवरऑल फोटो में थोड़ा आप फेस पे देखेंगे या शर्ट पे देखेंगे, ये कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, व्हाइट पार्ट पे देखो और ब्लैक पार्ट पे देखो कि उसमें कौन सा कलर है और वो कलर माइनस करने की कोशिश करो। अभी ये मिड टोन में आपको येलो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, येलो थोड़ा सा कम करूंगा तो डेप्थ भी मिल जाएगी, और रेड लग रहा है तो रेड के अपोजिट में साइन कर दूंगा तो देखो अभी इसका टोन निकल गया है, येलो टोन था वो निकल गया है, ठीक है। बाकी अभी इतना करने के बाद फोटो का सैचुरेशन थोड़ा सा कम हो गया तो मैं कंट्रोल यू करके बीच के डंडे आगे खिसकाऊंगा ताकि उसमें कलर्स आ जाए, ठीक है ओके। ज़्यादा नहीं करना है, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो करेंगे। अभी हुआ क्या है, जो फोटो में क्या हुआ है पता नहीं, कहाँ के कहाँ हाथों के ऊपर के वगैरह वो कलर चले गए हैं, फेस तो के कलर सही है भले वो ब्लर हो, यहाँ के भी कलर्स थोड़े सही है पर यहाँ के हाथों के यहाँ पे ये वाले एरिया में कलर बहुत कम है। तो भी हम क्या करेंगे, मैनुअली इसके ऊपर कलर करेंगे,
उससे पहले अगर हम इसको फोटो को कट करके लेंगे तो एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्ट जो है वो निकल जाएगा, तो हमें पर्टिकुलर उतना पार्ट बचेगा जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो मैं फोटो को पेन टूल की मदद से कट करता हूँ। ये कटिंग करने में थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, तो उस टाइम को मैं थोड़ा सा स्पीड में लगा देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, इतना सिलेक्शन किया है, यहाँ का एरिया कुछ डिटेल नहीं दिख रहा तो मैंने रफ ले लिया, और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिख रही है तो मैंने उसको भी रफ ही लिया है। 2% फेदर दे के कंट्रोल जे करूँगा और नीचे वाले लेयर को हाइड कर दूंगा। कुछ यहाँ का पार्ट बचा है वो भी हम रिमूव कर देंगे बाद में, इसमें शाडो वगैरह हम क्रिएट करेंगे वो एंडिंग में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत मजेदार होगा, बहुत कुछ सीखने को में भी मिलेगा आपको। हर फोटो एक चैलेंज होता है, तो उस फोटो में क्या किया समझ लो, पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ किया है, जरूरी नहीं कि वो सभी चीजें मैं इस वीडियो में भी करूंगा, तो यहाँ पे मैं कुछ अलग टेक्निक यूज करूंगा, वो भी आप देखेंगे तो आपको भी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक रब हमने कट करके लिया है, अभी हम करेंगे इसका बेसिक कलर कलर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कलर कम है तो हम वहाँ पे ऐड भी करेंगे, और कहाँ पे कुछ गलत कलर है उसके ऊपर हम ओवरलैप भी कलर करेंगे। तो मैं एक ब्रश लिया है जिसका ब्लेंडिंग मोड मैंने कलर किया है, न्यू लेयर के ऊपर काम करने से मैंने यही लेयर के ऊपर कलर अप्लाई करूंगा। मैं इसके ऊपर व्हाइट, ये शर्ट अभी धोती और शर्ट जो है व्हाइट कलर के हैं, पर मैं व्हाइट कलर प्योर ना लेके एक ब्लू कलर लूंगा और उसका मतलब थोड़ा ब्राइट कर दूंगा, और तो कलर अप्लाई करने के बाद वो व्हाइट लगेगा पूरा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसका जो शर्ट है दादाजी का, ये पूरी तरह से व्हाइट हो गया है। ठीक है, अभी हाथ देखेंगे तो वो काले काले हैं, तो मैं स्किन के ऊपर फेस का ही कलर पिक कर दूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उससे पहले मैंने ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा, अगर कहीं जगह पे लगे कि ज्यादा कलर हो रहा है तो मैं हल्का हल्का मार दूंगा और बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा रफ है, आपको एकदम परफेक्ट नहीं लगेगा, जैसे जैसे फोटो को कंप्लीट करते जाएंगे वो कलर वगैरह अच्छे से होते जाएंगे। अभी आप दाढ़ी देखेंगे तो ये वो भी एकदम पीली पीली है, तो क्यों ना हम उसके ऊपर भी हल्का हल्का सा कलर मार दें और उसको थोड़ा सा व्हाइट की तरफ लेके जाएं। शर्ट का ही कलर मैंने पिक किया है, आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगता हो, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी दाढ़ी भी व्हाइट हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा से हल्के हल्के कलर अप्लाई कर देंगे जो वेरिएशन के लिए भी हो जाएंगे। गालों पे एकदम लाइट लाइट पिंक कलर अप्लाई कर देंगे, जहाँ हाईलाइट है वहाँ पे भी, और साथ ही दाढ़ी के ऊपर वगैरह हम थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन कलर अप्लाई कर देंगे, तो वो भी थोड़ा अच्छा लगेगा, आर्टिस्टिक लगेगा। जहाँ जहाँ डेप्थ है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कलर अप्लाई करेंगे, और हाईलाइट के यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा ब्लू भी कलर अप्लाई कर देंगे तो भी वो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है, डिटेल बहुत कम है पर ठीक हो रहा है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ जो डिटेल्स डैमेज हुई है उसके ऊपर हम ड्राइंग करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कंट्रोल पकड़ के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो फोटो का सिलेक्शन हो जाएगा, जो हमारे ड्राइंग है उसके ऊपर बाहर नहीं जाएगी, तो इधर का ये डार्क कलर पिक करके यहाँ पे थोड़े से ड्राइंग करने की कोशिश करूँगा। और मतलब ये सब जो भी है वो रफ ही है, क्योंकि
बाद में हम थोड़ी और डिटेल ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एक बेसिक हो गया है हमारा। अभी इस फोटो को क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए शार्प थोड़ा सा कर लेंगे। ये थोड़ा शार्प करेगा, नॉइज ज़्यादा क्रिएट करेगा, पर हमें क्या है उसकी डिटेल इन्हांस करनी है। इसलिए अभी और एक चैलेंज है, मेन चैलेंज है कि यहाँ का जो पार्ट है वो सही से करना, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी जो रेनिमी ऐप से थोड़ा इनहांस हो जाएगा और बाकी तो हम अपने स्टाइल से स्मज वगैरह कर लेंगे, पर मेन चैलेंज है यहाँ का पार्ट रीजनरेट करना, एज इट इज जनरेट करना। अभी ये होगा कैसे, इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं, अगर मेरी ड्राइंग अच्छे और मुझे पता है कि कैसे उसके धोती वगैरह है, तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे आता नहीं है, तो मेरा काम है कि इसी पर्सपेक्टिव का मैं नेट से कोई इमेज उठाऊँ, उतना पार्ट कट करूँ और यहाँ पे लगाऊँ, और कलर करेक्शन वगैरह मैच करके वहाँ पे एडजस्ट करके उसमें मर्ज कर दूँ, और देन उसके बाद स्मज कर दूँ। ये दो तरीके हैं। तो दो तरीके मैं कौन से इस्तेमाल करूंगा। अभी देखो, यहाँ पे मैं एक ट्रिक खेलने वाला हूँ। मैं पूरा का पूरा पैर नहीं दिखाऊंगा यहाँ का, थोड़ा एक इल्यूजन क्रिएट करूंगा। देखो, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रफ डिटेल ड्रॉ करूंगा। और एक तीसरा तरीका क्या है, हम एक रफ ड्राइंग, अगर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं तो मैं रफ ड्राइंग कर दूँ और उसका उसको AI की मदद से वगैरह थोड़ा रीजनरेट करूँ, तो और थोड़ा इनहांस डिटेल हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, खाली चप्पल लगाऊंगा और धोती को वैसा ही रखूँगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इस फोटो को JPG में सेव करूँगा और रेनिमी ऐप से देखूँगा कि फेस की कितनी डिटेल हो सकती है, और थोड़ा टाइम लेके मैं देखूँगा कि यहाँ पे कुछ जुगाड़ हो सकता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक किया है और आगे का काम पॉज करके किया था, क्योंकि वो इधर का पैर वगैरह ढूंढने में बहुत समय जा रहा था, तो पॉज करके बाकी का काम किया। और अभी जो भी किया है आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आएगा। फिर भी कुछ दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक किया है अभी। मैं मुझे नेट से एक चप्पल मिली, ये चप्पल, और इसी को ऐसा फ्लिप करके इधर डाला है, और जो पैर इस तरीके से पैर के ऊपर आड़ी टेढ़ी मार के बैठे हैं ऐसा दिखाने के लिए, यहाँ पे एक चप्पल लगाई है, और ये धोती के अंदर से यहाँ से एक चप्पल लगाई है। तो इतना करने के बाद अभी इस फोटो को JPG में सेव किया, और सेव करने के बाद उसको रेमिनी ऐप की मदद से फेस को इनहांस कर दिया, और थोड़ा क्रिया ऐप की मदद से उसको मैंने और थोड़ा किया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटेल ऐड हो गई है, और फेस की और क्लॉथ की आप देख सकते हैं। मैं उसके बाद मतलब मैंने पैर लगा दिया और रेनिमी ऐप से फेस इनहांस कर दिया, और क्रिया वेबसाइट की मदद से इसकी शर्ट की डिटेल वगैरह थोड़ी ऐड कर दी, और रब सब कुछ होने के बाद मैंने अपना जो नॉर्मल आज तक जैसे स्मजिंग करते आया था वैसे स्मजिंग किया, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर हो या शर्ट के ऊपर हो, ड्रेस के ऊपर या धोती के ऊपर जो भी नॉइज़ वगैरह है वो निकल जाए, और साथ ही साथ थोड़ा सा का सा पेंटिंग लुक भी मिल जाए, इसलिए वैसा किया है। और उसको और थोड़ा डेप्थ देने के लिए और कंट्रास्ट दिया है। कंट्रास्ट मतलब जो अभी यहाँ पे पैर देख सकते हैं फीके फीके हैं, और ये थोड़ा ठीक नहीं है, और यहाँ पे भी फीका फीका लग रहा है, तो उसको थोड़ा और कंट्रास्ट दे दिया है डॉज टूल की मदद से, जहाँ जहाँ
काला है, उसको और थोड़ा काला कर दिया है। मेरे पास ये बैकग्राउंड था तो ऐसा लगना चाहिए कि ये स्टूडियो में बैठे हैं, ऐसा दिखाने के लिए ये बैकग्राउंड लिया है, चॉइस किया है। और अभी आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कुछ तो मिसमैच लग रहा है, क्योंकि ये कट करके इसके ऊपर रखा है ऐसा लग रहा है। तो इसको शैडो की कमी है, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ पे शैडो होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, अपना ब्रश लेके ब्लैक कलर ये लेके मैंने ऐसा 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 ड्राइंग किया है, ताकि वो थोड़ा सा शैडो की तरह इल्यूजन लगे और ऐसा लगे कि हाँ ये रियल है। और इतना सब कुछ करने के बाद इस सभी जो लेयर्स है उसको मर्ज करके फाइनल आउटपुट आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे शैडो वगैरह प्रॉपर मैच कर दिया है, सभी हाथ की वगैरह डिटेल अच्छे से, पैर की डिटेल अच्छे से है। बिफोर आफ्टर देख सकते हैं आप किस तरीके से बनाया है, ओरिजिनल आप देख सकते हैं हाथों की डिटेल और यहाँ की डिटेल, और हमने क्रिएट किया है यहाँ पे देख सकते हैं हाथों की डिटेल, पैर की डिटेल, बैकग्राउंड वगैरह किस तरह से क्रिएट किया है और ये कस्टमर को भेजा। हालांकि आपको थोड़ा फेस पे थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा होगा, क्योंकि ओरिजिनल बहुत ब्लर है। जितना हो सके ट्राई किया है अच्छा करने का। कस्टमर को भेजने के बाद कस्टमर बोला सही है, वो खुश हो गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, क्या सीखने को मिला, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। आपके कुछ सवाल हो तो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।